आपने ये कहा है अपने इस प्रोग्राम के को जो आपने वेबसाइट पे डाला है कि पशुपालकों को पशु आहार के वैक्यूम बैग दिए जाएंगे 25 से 30 किलो के और 3 रुपए प्रति किलो के हिसाब से घास दी जाएगी, तो डराती क्यों? पहला सवाल। दूसरा सवाल, आप कहते हैं कि आपको इस योजना के तहत अपने आप को अगर लाना है, इसके लिए रजिस्टर करना है, तो आपको आधार कार्ड, पैन कार्ड, अपना पहचान पत्र, अपना सब कुछ देना पड़ेगा इस सरकार को, अपना डेटा। डेटा से प्यार करती है ये सरकार। मगर दूसरा सवाल, कितनी महिलाओं ने इस योजना के तहत रजिस्टर कराया? क्या सरकार ने आपको बताया? बंधुओं, नहीं बताया ना, तो कितने लोगों ने आज तक रजिस्टर किया ये तो पता चले। और रजिस्टर नहीं किया तो TSDC के इस जल विद्युत परियोजना के लिए जो टनल बनाया जा रहा है उसके अंदर का मलबा निकाल के आप हमारी बहनों के लिए जो जो चारा का है जहां से वो घास काट के लाती हैं उसमें फेंकने का अधिकार किसने दिया भाई? आप वहां पर उनके चारा ग्रह को नष्ट कर रहे हैं। और मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मेरी इन जो बहनें हैं जो विरोध कर रही हैं, इन्होंने एक पत्र भी लिखा है, पत्र लिखा है कि हमें हमारे चारा ग्रह में जाने से रोका जा रहा है, घास काटने से रोका जा रहा है। और हमारी ये बहनें जो है ये विरोध में प्रदर्शन कर रही है, आंदोलन कर रही है। तो सरकार गूंगी बहरी नहीं है क्या? क्या तानाशाही सरकार नहीं है? तानाशाह अनपार्लियामेंट्री असंसदीय शब्दों के घेरे में लेकर आई है ये सरकार, क्योंकि तानाशाही कर रही है ये सरकार। हमारी बहनों को रोकने का अधिकार किसने दिया?